Myself, Sonali ma'am, I am teaching you subject chemistry of 11th class. In 11th class, overlapping of atomic orbital. मतलब जो बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं जनरली, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हैज बीन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सिमेट्री। मतलब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो एनर्जी भी कैसे रहती है उसकी, सेम होती है, और उसकी सिमेट्री भी कैसे होती है, सेम होती है। इन द प्रेसिडिंग सेक्शन वी हैव सीन दैट स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल। ग्रेटर इज द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है? मतलब जो बॉन्ड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ओवरलैप होता है, ठीक है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी है, जितनी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होंगी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और ओवरलैपिंग इज लेस देन वो बॉन्ड कैसे होगा, वीक होगा। द ऑर्बिटल होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स वेरी इन शेप एनर्जी एंड सिमेट्री। द ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है, उसकी एनर्जी अलग होती है, उसकी सिमेट्री अलग होती है। सो द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब जो ओवरलैपिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसके शेप के ऊपर डिपेंड है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंसिडरेशन वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट दैट इज द सिग्मा बॉन्ड और सेकेंड दैट इज द पाई बॉन्ड, ठीक है? तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैप की वजह से, ठीक है? मतलब उस बॉन्ड के एक्सिस में ओवरलैपिंग होता है, और पाई बॉन्ड जो है वो लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है जनरली। मतलब अभी जो अपन देख रहे हैं कि मतलब ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसके ऊपर डिपेंड है, तो शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड है, उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, उसका सिमेट्री के ऊपर डिपेंड है। तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड आते हैं, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अभी अपन देख रहे हैं दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड व्हेन द ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड एज सिग्मा ओवरलैप और सिग्मा बॉन्ड। मतलब जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स का वो कैसे होना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रहा है उसको बोला जाता है सिग्मा ओवरलैप, और उस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इट इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैप से फॉर्म हो रहा है, और वो कहां पे प्रेजेंट होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। देन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, फर्स्ट 2s ऑर्बिटल्स, बी 1s एंड 1pz ऑर्बिटल, सी 2p ऑर्बिटल्स। मतलब कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, एस एस ओवरलैप से फॉर्म होता है या एस एस ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से फॉर्म होता है, और दोनों पी ऑर्बिटल से फॉर्म होते हैं। उसमें अभी अपन देखने वाले हैं दैट इज द एस एस ओवरलैप कैसे होता है। उसका एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कितना है, 1। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब 1s1 टू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एस एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं,
और एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस फॉर्म होता है, और उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड, वो आपको इस डायग्राम में इंडिकेट किया है। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो पिंक से इंडिकेट किया है, दूसरे हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन पिंक से इंडिकेट किया है, और जब उस उन दोनों का ओवरलैपिंग होता है स्ट्रक्चर में तो वो फॉर्म करता है H2 मॉलिक्यूल। और वो कहाँ पे ओवरलैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग परफॉर्म कर रहे, इसीलिए बोला जाता है उसको SS ओवरलैप। इन दिस वे आज अपन ने देखा है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें देखा है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ड्यू टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उनका ओवरलैपिंग होता है, उसीलिए उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है और उसको सिग्मा ओवरलैप बोला जाता है। उसमें आज अपन ने देखा है SS ओवरलैप, मतलब 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन, अदर s ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, और ओवरलैपिंग कौन सा है तो SS ओवरलैप। इन दिस वे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आज अपन ने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।